بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على آله والصلاة والسلام على أهلها ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى بعد بلنتار صلوات अल्लाह तबारक ताला आप सबको सलामत रखे। वाकयन हम मुकद्दर के सिकंदर बंदे हैं। ये आयाम शहरुल्लाह बाबुल्लाह हरमुल्लाह में गुज़र रहे हैं। आपके सामने कुछ गुफ्तगू हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में करना चाहता हूँ। ये आम बीबी नहीं हैं, ये वो बीबी हैं जिनका ज़िक्र तमाम कुतुब आसमानी में मौजूद है। कोई किताब ऐसा नहीं जो हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के ज़िक्र से खाली हो, और कोई नबी ऐसा नहीं जिसने हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र ना किया हो। तमाम अम्बिया ने जैसे पैगंबर इस्लाम का ज़िक्र किया, वैसे ही खदीजतुल कुबरा का ज़िक्र किया। बाबा का नाम हज़रत खुवैलद, वालिदा का नाम फ़ातिमा, और हसब के लिहाज से मिल्लत इब्राहिम और नस्ब के लिहाज से कुरैशी, ज़ुरियत इस्माइल, ज़ुरियत इब्राहिम। देखा जाए मार्फत के लिहाज से वालदा का नाम फ़ातिमा, एक ही दुख्तर है, बेटी है, नाम फ़ातिमा। दो फ़ातिमाओं के दरमियान में खदीजा है, दो फ़ातिमाओं के दरमियान अल्लाह अलैहा हकीकत फ़ातिमिया का एक जुज है। हकीकत फ़ातिमिया क्या है? हकीकत फ़ातिमिया जलाल इलाही व जमाल इलाही का ज़ुहूर है। हकीकत फ़ातिमिया नूर अजमत का ज़ुहूर है। अगर मखफी रहे तो खदीजा कहलाए, अगर ज़ाहिर हो जाए तो फ़ातिमा तो जहरा कहलाए। ये एक ही है, सब ने ज़िक्र किया, और 12 रमज़ान मुबारक में इंजील नाजिल हुआ, और इंजील में भी हज़रत खदीजतुल कुबरा का ज़िक्र है। वहाँ अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत ईसा से मुखातिब होकर फरमाया, ए ईसा, तारफ़ किसी करा रहे हैं? पैगम्बर इस्लाम की। पैगम्बर इस्लाम की तारफ़ करवा के फरमाते हैं, अन नस्लो ज़ुल कलील, ज़ुल नस्ल कलील, पैगम्बर इस्लाम की नस्ल थोड़ी है। किस से है? इन्नमा नस्लहु मिन मुबारकतिन सिद्दीकतिन। यहाँ से मुबारका से मुराद हज़रत खदीजतुल कुबरा हैं, सिद्दीका से मुराद हज़रत खदीजा हैं। हज़रत ईसा को ये फरमाया कि नस्ल कलील है, मुबारका से इतनी बाबरकत है, इतनी बाबरकत है, इतनी मुबारका है कि उनके वजूद से मुबारका वजूद में आई। वो सिद्दीका है जिसकी बरकत से सिद्दीका वजूद में आई, एक ही बेटी वजूद में आई, और इसीलिए आयतुल्लाह अल-अज़्मा अल्लामा अश-शेख वहीदुल खुरासानी फरमाते हैं, इन खदीजतुल कुबरा हियल्लती कान वजूदहा ज़र्फ़न व व्यान ले अनवार इमामत। ये वो वजूद हैं, ये वो बाबरकत वजूद हैं, वो सिद्दीका वजूद हैं कि उस मकाम पर हैं जिस मकाम पर किसी नबी की बीवी नहीं है। कायनात में कोई भी खातून इस लायक नहीं कि उसके सुलभ में
हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर रखा जाए। ये वाहिद खातून हैं कि जिनके सुलम में नूर फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रखा गया। और फ़कत ये उम्मेल मोमिनी नहीं, फ़कत उम्मे आयमा हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद युआल मोहम्मद के ज़ात पर। थोड़ा सा इजमाली तारफ, इंशाल्लाह आगे मैं मौजू पर आ जाऊँगा। ये वो बीबी हैं जिन पर तमाम अम्बिया ने इफ्तखार किया, हत्ता कि मैं ये कहूँ कि खुद तौहीद ने इफ्तखार किया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इफ्तखार किया। ज़ाहरी तौर पर बीबी दुनिया में नहीं आई थी कि हज़रत आदम ने इफ्तखार किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्नी लसैयदुल बशर यौमल क़ियामत, मैं सैयदुल बशर हूँ क़ियामत के दिन, इल्ला रजुलुन मिन ज़ुरियती, सवाए एक रजुल के जो मेरी ज़ुरियत से है, नबियुन मिनल अंबिया युकालु लहू अहमद, एक मेरा बेटा है जो नबी है जिसको अहमद पुकारा गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दो चीज़ों को ज़रिए से फजीलत दी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले बयान कर रहे हैं, ज़ाहरी तौर पर हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दुनिया पर नहीं आई थी, कहा दो चीज़ों के ज़रिए से। वो कौन सी दो चीज़? एक ज़ौजा नबी के ज़रिए से मुझे पर पैगंबर इस्लाम को फजीलत है। कौन सी फजीलत? कि हज़रत खदीजतुल कुबरा मुआविने पैगंबर इस्लाम हैं, मुआविने पैगंबर इस्लाम हैं, और मेरी ज़ौजा मुआविन है लेकिन इस्लाम में मुआविन नहीं, लेकिन तौहीद में मुआविन नहीं, बल्कि तर्क औला में मुआविन है और खदीजतुल कुबरा पैगंबर इस्लाम के तौहीद में मुआविन है। ये इफ्तिखार कर रहे हैं और ये फजीलत बयान कर रहे हैं। और ख़ुद कुल्ले अकल ने, कुल्ले इल्म ने इन पर इफ्तकार किया और इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम शाम में इफ्तकार करते फरमाते हैं अना इब्नु खदीजतुल कुबरा, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूँ। और ख़ुद करबला में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इफ्तकार किया, हल तालमून, क्या आप जानते हैं, इन जद्दती खदीजतुल कुबरा, मेरी जद्दा खदीजतुल कुबरा है। और इसीलिए काफ़ी आयमा से रिवायत में है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करो तो कहो अस्सलाम वालेकुम अबना खदीजतुल कुबरा, एक खदीजतुल कुबरा के बेटे तुम पर मेरा सलाम। खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने भी कई मकाम पर इफ्तकार किया, एक मकाम पर कहा कुन तो अशबह नास बे खदीजतुल कुबरा, मैं खदीजतुल कुबरा के शबी हूँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। और किसी से कूफा में कहा कि तुम्हारा बाप फलां, तुम्हारा फलां 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 उसका नस्ल करवाता रहा, यहाँ तक पहुँचे इमाम हसन अलैहिस्सलाम इन जद्दती खदीजतुल कुबरा व जद्दतु कतीला, ये मौला इफ्तकार करते हैं। खुद जनाब सैयदा इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सामने इफ्तकार करती हैं, जो ख़ुद मरकज़ इफ्तकार हैं, खुद इस मकाम पर हैं कि अल्लाह इन पर इफ्तकार करता है, लेकिन बीबी खुद इफ्तकार कर रही है मौला अली इब्न अबी तालिब के सामने, कह रही हैं अना इब्ना तो खदीजतुल कुबरा, मैं खदीजतुल कुबरा की बेटी हूँ, अना इब्ना तो। और ख़ुद अल्लाह तबारक व ताला ने मलाइकुल किराम के सामने कई मरतबा, कुल यौमिन मिरारा, कई मरतबा दिन में कई मरतबा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा पर इफ्तकार किया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि बीबी आम नहीं है कि जिन पर अंबिया, औलिया, औसिया, इमाम, मासूम, खुद खुदा इफ्तकार करते हैं। और ये वो वाहिद वजूद रखती हैं जो हामिल अनवारे इमामत है, इसके अलावा कोई भी नूर सैयदा को तहमुल नहीं कर सकता।
ये वाहिद खातून है। सलवात पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद के ज़ात पर। और ख़ुद एक कुरान में भी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत खदीजतुल कुबरा पर इफ्तकार किया, क्या कहा, व वजदक आइलन फ़अगना। यहाँ से मैं मजलिस शुरू करने लगा हूँ अभी। व वजदक आइलन फ़अगना, ए पैगंबर हमने आपको तंग दस्त पाया, हमने आपको फ़कीर पाया, हमने आपको गनी किया। अल्लाह तबारक ताला इफ्तकार कर रहे हैं बीबी खदीजतुल कुबरा पर, हकीकत में इफ्तकार है बीबी खदीजतुल कुबरा पर। एक मुकदमा समाध फरमाइए यहाँ से, जब भी बंदा किसी से पैगंबर इस्लाम से मोहम्मद आल मोहम्मद से मोहब्बत करता है तो मोहब्बत से पहले अल्लाह उसे अपना महबूब बना देता है, मोहब्बत से पहले अल्लाह उसे अपना महबूब बना देता है। इसलिए रिवायत में है न, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, वो महबूब खुदा बनता है तभी मोहब हुसैन बनता है। जब बंदा देखता है कि इनकी मोहब्बत की वजह से मैं महबूब खुदा बन चुका हूँ, पहले मैं इसे पहचानूँ ये है कौन, ये कौन है जिनकी वजह से मैं महबूब खुदा बन चुका हूँ। जब ये सोचता है, इस पर तवज्जो करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसे वली बना देता है। जब उसे वली बनाया, पहले उसे अब्द मुमतहन बना देता है ताकि मार्फत हासिल करे, क्योंकि अब्द मुमतहन के अलावा कोई मार्फत हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि खुद रिवायत भी है, इन्ना अमरना सअबुन मुस्तसअबुन ला यहतमिलू, एक जगह पर, दूसरी जगह पर है ला यअरिफुहू ला युकर्रु बिही इल्ला सलासा, कोई भी मार्फत हासिल नहीं कर सकता मगर सवाय तीन के, मलकुन मुकर्रबुन और नबियुन मुरसल औ अब्दुन औ मोमिनुन नजीबुन इम्तहनल्लाहु कल्बहु लिल ईमान। ये बाकल बाब है बिहारुल अनवार में। मोमिन जब अब्द मुमतहन बनेगा तो मार्फत, थोड़ा सा मार्फत हासिल करेगा, अपनी मकदार के मुताबिक मार्फत हासिल करेगा। ये अब्द सफ़र कर रहा है, मोहब्बत की वजह से महबूब खुदा बना, मार्फत की वजह से वली बना, अब्द मुमतहन बना, आरिफ बना। जब इसने मार्फत हासिल की तो यही बंदा कहेगा, यही बंदा कहेगा इनकी मार्फत अल्लाह की मार्फत है, क्योंकि अब ये बंदा आरिफ बन चुका है, ये आम बंदा नहीं है, ये आरिफ है। कहेगा मोहम्मद आल मोहम्मद की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है, इनकी मार्फत अल्लाह की मार्फत है। जब इसने मार्फत हासिल कर ली तो फिर ये बंदा इस मकाम पर आ जाएगा, रिवायत के मुताबिक तखल्लकु बिअखलाकिल्लाह इत्तसिफु बिसिफातिल्लाह, अपने आप को सिफात इलाही से मुतज़य्यन करेगा, अपने आप को सिफात इलाही से मुतमस्सिक करेगा, अपने आप को अखलाक इलाही से मुज़य्यन करेगा। अल्लाह तो जिस्म रखता नहीं, अल्लाह तो मकान रखता नहीं, अल्लाह तो ज़मान रखता नहीं, अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह तो गनी है, अल्लाह तो समद है। बंदा अखला के इलाही कैसे अपनाए। सलवात पढ़े मोहम्मद आल मोहम्मद के ज़ात पर। तवज्जो है, तवज्जो से ये मुकदमा है, मैं ख़त्म करने लगा हूँ। बंदा महबूब खुदा बना मोहब्बत की वजह से, वली बना, अब्द मुमतहन बना, आरिफ बना, आरिफ बन के बाद ये अखलाक इलाही से मुतमस्सिक होने जा रहा है, अपने आप को अखलाक इलाही से मुज़य्यन कर रहा है। कैसे करेगा, ये देखेगा कि मोहम्मद आल मोहम्मद ये अखलाक इलाही रखते हैं। जब ये मोहम्मद आल मोहम्मद के अखलाक को अपनाएगा, ये ही अखलाक इलाही है। अखलाक मोहम्मद आल मोहम्मद अखलाक
इलाही है। जब ये मोहम्मद वाल मोहम्मद से मुतमसिक हो जाएगा तो अल्लाह कहेगा जो ये कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। ये मरहला बाद में आएगा, क्या कहेगा अल्लाह, जो ये कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। फिर उसको अपने आप अपने साथ मंसूब करेगा, ये मैं कर रहा हूँ। जब ये है तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसी आयत में व वजद आइलन फअगना, हमने गनी कर दिया है, हमने गनी कर दिया है। अल्लाह ताला कादिर था कि कहता कि पैगंबर इस्लाम को हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने गनी कर दिया है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा, अल्लाह ने ये कहा फअगना, हमने गनी कर दिया है। क्यों? क्योंकि बीबी खदीजतुल कुबरा इतनी मुतमसिक थी, इतनी मुतमसिक थी। मेरे उस्ताद ने ये जुमले कहे कि खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का नूर हत्ता के हिजाब इलाही में भी, जब हिजाब मेरा पैगंबर इस्लाम हिजाब में भी नूर खदीजतुल कुबरा पैगंबर इस्लाम के साथ, हिजाबों में भी दरियाओं में भी नूर खदीजा साथ, ये महबूब खुदा बनी। जब ये महबूब खुदा बनी पैगंबर इस्लाम के करीब थी, पैगंबर इस्लाम के करीब थी, पैगंबर इस्लाम के सिफात की हामिल थी, जो पैगंबर इस्लाम के सिफात है वो अपने अंदर पा ली और ये आरिफा बनी। पैगंबर इस्लाम के सामने जो भी माल मिलकियत थी वो पैगंबर इस्लाम के कदमों में रखी और कनीज बन गई और कहने लगी पैगंबर की मारफत अल्लाह की मारफत है, पैगंबर की इतबा अल्लाह की इतबा है। और नमाज जब पैगंबर पढ़ते थे तो साथ ही साथ खदीजतुल कुबरा पढ़ती थी, क्योंकि जानती थी ये आम नहीं है, अल्लाह का ही है। तो अल्लाह ने क्या कहा, फअगना, हमने गनी कर दिया। जब बंदा इस मकाम पर होता है जिसको मंसूब करता है तो अल्लाह कहता है अब बता बंदा मर्जी तुम्हारी क्या है, बंदे को कहता है अब बता तुम्हारी मर्जी क्या है। तो अल्लाह ने कहा ए खदीजतुल कुबरा बता तुम्हारी क्या मर्जी है। और बीबी राजिया भी हैं, मर्जिया भी हैं, सिद्दीका भी हैं, मुबारका भी हैं, महबूब खुदा भी हैं। बीबी उस मकाम पर हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इसको मंसूब कर दिया, काफ अगना, हमने गनी कर दिया है। अल्लाह ने इफ्तकार किया, फकत इफ्तकार नहीं किया, कहा इनकी मर्जी हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी इनकी मर्जी है। तो जब पैगंबर इस्लाम मेराज पर गए थे, जब वापस लौट रहे थे तो पैगंबर इस्लाम को अल्लाह ने सलाम दिया, कहा कनीज को मेरा सलाम कहो। आयमा के लिए मोहम्मद वाल मोहम्मद के लिए जिब्राइल सलाम लेकर आ रहा था, हजरत खदीजा के लिए मोहम्मद सलाम लेकर आ रहे हैं, ये आम खातून नहीं। और किसी नबी को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये चीज़ नहीं दी जो हज़रत खदीजत कुबरा को अता की है। जब अम्बिया ने दुआ मांगी तो किसी को हज़रत सुलेमान अता किया, किसी को हज़रत यहया अता किया, किसी को इसहाक व इस्माइल अता किया, किसी को यूसुफ अता किया। ये अंबिया मांगते रहे, अल्लाह देते रहे, अल्लाह उसको देते रहे। जब हज़रत खदीजतुल कुबरा की बारी आई तो अल्लाह तबारक व ताला ने किसी नबी को नहीं दिया, किसी वसी को नहीं दिया, फकत एक वाहिद खातून है जिनको फातिमतुज़्ज़हरा दिया और अबू तालिब को अली इब्न अबी तालिब दिया। ये दो हैं। मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, तवज्जो कीजिएगा, मुहम्मदी का ये जुमला सुनिएगा। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी रिजा और अपनी मर्जी गोदे खदीजा में रख दी, और रिजा का नाम फातिमतुज़्ज़हरा है, मर्जी का नाम अली इब्न अबी तालिब है। ये दोनों गोदे खदीजा में थे। ये दुनिया वाला क्या समझेंगे कि खदीजतुल कुबरा क्या है। अल्लाह की रिजा भी है तो अल्लाह की मर्जी भी है गोदे खदीजा में। माले खदीजा से अल्लाह तबारक व ताला ने फकरे मोहम्मद मुस्तफ़ा को दूर किया, तंग दस्ती को दूर किया। माल को आप क्या कहते हैं, आपने तो ये मशहूर सुना होगा कि माल हाथों की मेल है, माल हाथों की
मेल है। और जो हज़रत खदीजतुल कुबरा ताहिरा राजिया मर्जिया मुबारका की हाथों की जो मेल है वो भी इतनी ताहिरा है, वो भी इतनी बाबरकत है कि दीन को हयात बख्शी। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ना, मा काम वला इस्तकाम दीनी इल्ला बिशयइन मालो खदीजा, एक माले खदीजा है। काम क़याम से है, दीन उठा, दीन को ज़िंदगी मिली, दीन में नमाज है, नमाज को ज़िंदगी मिली, हज को ज़िंदगी मिली, दीन को ज़िंदगी मिली, इस्लाम को ज़िंदगी मिली खदीजतुल कुबरा के हाथों के मेल से। अब अंदाज़ा लगाएं, ये जो नमाज पढ़ के इफ्तिखार करते हैं, हज़रत खदीजतुल कुबरा की शान को घटाते हैं, मैं कहना ये चाहता हूँ, ये अगर हज़रत खदीजतुल कुबरा की हाथों के मेल ना होती तो ज़िंदगी में आज दीन भी ना होता। ये खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हैं और इन पर तारीख ने भी बहुत जुल्म किया है। तारीख ने हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को बयान नहीं किया। लोग किनकी बेटियों के मोहब्बत में आकर हज़रत खदीजा के शान को घटाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के गोद में अल्लाह की रज़ा भी है तो अल्लाह की मर्ज़ी भी है। सारा कुछ दीन इस्लाम को दिया, बीबी के दस्तरखान पर 3000 एक वक्त में लोग, अरब के लोग खाना खाते थे, लेकिन कोई वक्त ऐसा भी था कि शाबे अबी तालिब में चली गई, खाने के लिए कुछ ना था। बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा जब इस दुनिया से चली गई थी ना, तो पैगंबर सलाम हर वक्त खदीजतुल कुबरा का ज़िक्र करते थे, हर वक्त कोई लहजा खाली नहीं था। जब भी घर आते थे खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र करते थे। जब सुलह हुदैबिया के बाद वापस लौटे ना, दो कब्रों पे ज़रूर गए हैं पैगंबर सलाम, एक माँ की कब्र पर और एक खदीजतुल कुबरा की कब्र पर। वहाँ पर खेमा लगाया, लोग कहते थे काबे के करीब चलें, लेकिन पैगंबर सलाम काबे के करीब नहीं गए बल्कि कब्र खदीजतुल कुबरा पर खेमा लगाया। ये वह मोहसिन इस्लाम है। जब दुनिया से जा रही थी तो बीबी के पास कफन ना था। बीबी ने एक वसीयत की, या रसूलल्लाह, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया, मा रायतो के तकसीरा, मैंने आपसे तो तकसीर नहीं देखा, आप मासूमा हैं। मैं अपने अल्फाज में कहूँ, आप तो मुस्तफ़ा हैं, आप तो मुजतबा हैं, आपसे तकसीर, आपसे खता। बीबी ने और एक मुश्किल वसीयत कर दी। बीबी ने फरमाया, या रसूलल्लाह, मैंने कुछ नहीं मांगा, मैं एक वसीयत करना चाहती हूँ। मेरी एक ही बेटी है, 5 साल की एक ही बेटी है, ये गरीबा बन चुकी है, ये यतीमा बन चुकी है, इनका ख्याल रखना, कोई खातून अरब इनके सामने बुलंद आवाज़ से बात ना करे, कोई इन्हें तमाच ना मारे,
मैं कुर्बान जाऊँ हज़रत खदीजतुल कुबरा पर, मैं कुर्बान जाऊँ मोहम्मद मुस्तफ़ा पर। जब तक मोहम्मद मुस्तफ़ा थे किसी ने तमाच नहीं मारा। अल्लाह जाने जब पैगंबर इस्लाम इस दुनिया से चले गए तो अमानत के तौर पर अली इब्न अबी तालिब को दिया, कहा या अली ये मेरी अमानत है। अल्लाह जाने अली कितने गरीब है, अली कितने मज़लूम है। जब अली इब्न अबी तालिब पैगंबर इस्लाम के पास आए, जैसे ही हजरत फातिमा को दफनाने के लिए आए तो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया या अली फि तिल्क लैलते लम यकुन ज़िल्लुहा मकसूरा। या अली मेरी बेटी की पसलियाँ तोड़ी हुई तो नहीं थी, मेरी बेटी की पसलियाँ टूटी हुई तो नहीं थी। या अली वला ऐनुहा मुहम्मरा, या अली मेरी बेटी की आंखें सुर्ख तो ना थी। या अली मेरी बेटी की आंखों में खून है, या अली मेरी बेटी की आंखें सुर्ख है। आगे पैगंबर ने फरमाया वला वजहुहा मुसवदा, या अली मेरी बेटी, या अली मेरी बेटी के चेहरे, मेरी बेटी के चेहरे पर निशान तो नहीं थे। या अली ये काले दाग किसके हैं, ये तमाचे के निशान है। आज़ादारों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ये मिक्ता से एक रिवायत है, मिक्दाद जब सानी के मुकाबले में आया था, जब सानी के मुकाबले में आया था मिक्दाद ने एक अजीम जुमला कहा था। जब सानी को कहा वह दमो यसीलु मिन ज़हरहा व जंबहा, मैं उनके जनाजे में शरीक था। मिक्दाद फरमाते हैं मैं उनके जनाजे में शरीक था। वह दमो यसीलु मिन ज़हरहा व जंबहा, खून जारी था जंब से भी पुश्त से भी। मैं कुर्बान जाऊं मिक्दाद तूने ये तो बताया कि जंब से जहर से खून जारी था। अरे जहर तो मजबूत है, चेहरा तो नाजिक है, जिनके लिए खदीजा ने वसीयत की थी और कहा था मेरी बेटी को कोई ना मारे। जब पुश्त पे ताजियाने लगा तो खून जारी था। एक ताजियाने ऐसा भी तो था बल जरबुआ बेस्याते अलावजे वरसे अल्लाह अनतुल्लाह अलाकुम हिजालमीन सयमुल्लादिन जलमु यमन कलबी यन कलबी।